लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, ऑल ओवर पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सबका साथ एंड माई सेल्फ कॉल सबा गजाली। और आज का शो होगा हमारा बहुत स्पेशल, और हमारे साथ है अली खान तरीन और अहमद फराज। वेलकम। थैंक यू सो मच सबा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एंड की स्पेशल ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है अली, जैसे कि आपको सबा ने बताया। और आप सबको जी, तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक जी, जहां कहीं में भी हैं आप। सबा ने तो स्पेसिफिक शहर बता दी हमारे, और इसके अलावा दुनिया जहां पे भी आप हैं, तो आप तमाम लोगों को हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अहमद हमारे साथ भी मौजूद हैं। अहमद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लिसनर्स, मैं हूं अहमद सिद्दीकी। और जैसे कि हमारी बहुत ही प्यारी सी आरजे सबा ने बता दिया है कि हमारे साथ मौजूद हैं अली तरीन और मैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दी हमारा जो ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन रेडियो सबका साथ का। और ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, जो जो जहाँ पे भी हैं मुल्क के और दुनिया के जिस जिस कोने में हैं, सबको बकरा ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और मुझे लगता है कि मैं भी बकरा बनने वाला हूँ। दो दो सीनियर आरजेस के बीच में एक जूनियर राजा आ गया है, तो पर गलती गुस्ताखी माफ, और अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे हम। सो क्या कहती हैं आप सब, आपकी तैयारियां कैसी हैं इस ईद के हवाले से? ये तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है। ज़िलहज शुरू होते ही एक्साइटमेंट हो जाती है कि जल्दी से गाय आ जाए या बकरा आ जाए या ऊँट आ जाए, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। और आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे असल तो आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कसाई होते हैं उनको ढूंढने में मुश्किलात होती हैं, या जो इस दौरान में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं उनको जो है वो ढूंढने में मसला होता है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सबा, ऐसा ही है। सबसे पहले तो ईद मर्दों की जो शुरू होती है वो ईद से शुरू नहीं होती जी, वो ईद के कई दिन पहले शुरू हो जाती है। जब आपको जानवर खरीदना होता है, जानवर देखने जाना होता है, उसके बाद जानवर घर में लेके आना होता है, उसके बाद जानवर का ख्याल रखना होता है, उसको घुमाना होता है, उसको फिराना होता है। और ये हमारा खूबसूरत कल्चर है जिसमें हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर आती है ईद, और ईद का आगाज होता है नमाज के साथ, और नमाज के बाद एक भागम दौड़ मच जाती है, और भागम दौड़ में आपको कसाई ढूंढना होता है अगर आपने पहले से इंतजाम नहीं किया होता, और अगर आपने पहले से भी इंतजाम किया होता है तो उसके पीछे लगना होता है कि भाई आ जाओ हमारा जानवर ज़िबा कर लो। हर शख्स की कोशिश होती है कि जी सबसे पहले जी उनका जानवर ज़िबा हो जाए। और कसाई भी हमारे माशाल्लाह इतने प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो 10-12 लोगों से कमिटमेंट कर लेते हैं, जी हाँ जी सबसे पहले हम आप ही का जो है वो जानवर ज़िबा करेंगे। तो ये एक दंगा मुश्ती चल रही होती है जानवर और कसाईयों के साथ। इसके साथ साथ जी फिर गोश्त बनाने का मरहला होता है, और सारे मामलात होते हैं घर की ख्वातीन की भी जो है वो ईद इस तरीके से मुश्किल हो जाती है। कहते हैं जी ये वाली ईद जो होती है वो मर्दों की होती है, और जो छोटी वाली ईद होती है वो ख्वातीन की होती है। कितना अग्री करते हैं आप अहमद? मैं अग्री पहले तो आपकी उस वाली बात से कि ईद जो है सिर्फ ईद से नहीं बल्कि बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, और आई थिंक कुर्बानी कहते भी इसी को ही है कि आप पहले एक खूबसूरत से जानवर को आप पहले चूज करते हैं, घर लेके आते हैं, ख्याल रखते हैं, फिर उसको कुर्बान करते हैं। तो कुर्बानी नाम ही उस चीज़ का कि आप अपनी एक बहुत ही अजीज तरीन शय को या चीज़ को आप कुर्बान कर रहे हो। और मेरे हिसाब से उसके बाद जो एफर्ट स्टार्ट होती है उसमें मर्द खवातीन दोनों ही साथ होते हैं, सबके एक बराबरी से ही सब हिस्सा ले रहे होते हैं इस काम में। जैसे कि मर्द हजरात ईद से पहले काफ़ी बिजी होते हैं, और ईद के बाद खवातीन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, क्योंकि गोश्त इतना ज़्यादा होता है कि उसको संभालना, उसको करना, उसको पकाना, खिलाना, बुलाना लोगों को दावत पे या बंटवाना, ये सब ज़्यादातर खवातीन इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती हैं। तो आई थिंक दोनों की तरफ से बहुत अच्छी खासी एफर्ट्स रहती हैं इक्वली। तो आप बताएं सबा, क्या आप भी ऐसे ही करती हैं, क्या गोश्त बंटवाती हैं, या फिर जब आपके घर पे जब गोश्त आ जाता है मर्द हज़रात लेके आ जाते होंगे, तो आपके आप भी क्या उसमें आपका क्या रोल रहता है? मुझे वैसे तो जो है छुरियों से जो तेज़ बहुत बड़ी बड़ी छुरियाँ होती हैं उनको देख के डर लगता है, लेकिन मैं ये काम कर लेती हूँ कि जब वो कट जाता है ना तो उसके बाद उसको पैक करना और ये सारी चीज़ें, फिर उसको बनाना, ये सारे काम कर लेती हूँ मैं। लेकिन मुझे जो है वैसे डर लगता है, क्योंकि
ऐसा हुआ था कि मेरा हाथ एक दफा कट गया था, तो अब मुझे डर लगता है इतनी बड़ी बड़ी छुरियां देखकर। जो आम नाइफ होती है उससे तो मसला नहीं होता, लेकिन जो बड़ी छुरियां होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि इनकी जो ईद की बोटियां होती हैं वो इन आम छुरियों से नहीं कटती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बनाना होता है टोटल गोश्त, ताज़ा ताज़ा गोश्त होता है, तो उसको मैं यूं हाथ नहीं लगाती। जब वो बोटियां कट जाती हैं फिर मेरा काम शुरू होता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो सबा ने बता दिया अपना एक्सपीरियंस। एक अहम बात जो मैं शो के शुरू में ही करना चाहूँगा कि बिल्कुल जनाब, ईद का मौका है और आप जानते हैं कि मुल्क में, दुनिया में जो है वो ग्लोबल पेंडेमिक है, दुनिया भर में है, तो आपने ईद की खुशियों में इन एहतियात को नहीं भूलनी, यानी कि आपने मिलनी है, ज़रूर ईद मिलनी है, लोगों के घर भी जाना है, लेकिन दूर दूर से ईद मिलनी है जी, हक करते हुए भी एहतियात करना है, हाथ मिलाते हुए भी एहतियात करना है, थोड़ा फासला रखना है, ताकि जो पिछली ईद पे हमारी सिचुएशन रही थी पेंडेमिक की, मार्केट्स में रश होने की वजह से, ईद पे गले मिलने की वजह से सिचुएशन काफ़ी वर्स हो गई थी, अब अल्लाह अल्लाह करके हमारे मुल्क की सूरत हाल नॉर्मल हुई है, और अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत से ममालिक से पाकिस्तान बहुत बेहतर है। इस पेंडेमिक की वजह से बहुत से नुकसान जो हो सकते थे, जिनके अंदाज़ा लगाया जा रहा था, वो नहीं हुए हैं, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन आप तमाम लोगों ने अपनी एहतियात से इस कामयाबी को जो है वो जारी रखना है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसी बहुत सी ईदें आएंगी, ऐसी बहुत सी खुशियां आएंगी कि जब आप पहले की तरह ईद मना रहे होंगे, लेकिन इस ईद पे एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है हमारे यहाँ, ये एक बहुत गलत चीज़ है जो कि जिसकी वजह से एक्चुअली केसेस बढ़े थे, कि लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, या फिर ये एक मिथ है जो हमें बस हमें हरास करने के लिए है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि अभी हम मार्केट गए थे लास्ट डेज में, तो वहाँ पर भी इतना रश था अली के, वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे पांव रखने की जगह ना हो, इतना ज्यादा रश था, और आप बच के भी नहीं बच पा रहे थे, और मेरे ख्याल है मुश्किल से किसी दो चार लोगों ने जो है मास्क लगाए हुए होंगे, बाकी लोग बगैर एहतियात के आ रहे थे वहां पर। हाँ, ये चीज वाकई काफी नोट करने वाली है, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते, और काफी लोगों ने शुरू में इसको मिथ करार दिया था कि एक मिथ है, लेकिन जब तक सर पे नहीं आती है तब तक लोग समझते नहीं है। सो वी शुड केयर आवरसेल्व्स, हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की हिफाजत करनी है, क्योंकि एक इंसान पे अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको पूरी फैमिली को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमें ख्याल रखना है, अपनी प्रिकॉशंस हमें पूरी लेनी चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस आप लें, और लोगों के घर में आने जाने से भी थोड़ा सा गुरेज करें। कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह ताला जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसकी तरह से हम अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, उसी तरह से हम सारे अपने जितने भी मरहले हैं उनको कर रहे होंगे बाखूबी, लेकिन फिलहाल अभी अपना और अपने घर वालों को भी लाजमी ख्याल रखें। जी हाँ बिल्कुल, अभी का ख्याल आगे की खुशियों की जमानत है, और हम बात करें ईद की सेलिब्रेशंस की, और मैं जानना ये चाहूँगा सबा से भी और अहमद से भी कि हर फैमिली की, हर घर की एक स्पेशल डिश होती है जो कि ईद के दिन बन रही होती है, तो सबा आपके घर क्या स्पेशल डिश बन रही होती है पहले दिन? हमारे घर सबसे पहले तो जैसे आम घरों में कलेजी बनती है, वैसी कलेजी बनती है सालन के साथ, ताकि मतलब सबसे पहले वो ही खाया जाए। उसके बाद एक चीज़ है जो स्पेशल है, कच्चे कीमे के कबाब, वो हमारे यहाँ पहले दिन ज़रूर बनते हैं, और नमकीन गोश्त बनता है दोपहर के खाने में। हाँ अहमद, आपके घर का क्या हिसाब किताब है? अच्छा, ये बहुत मैं बताऊं कि कुछ साल पहले से हमारे साथ ये हुआ है कि हम पहले तो बहुत ज्यादा कलेजी खाते थे, जैसे कि सबा ने भी बताया कि हम कलेजी एक काफी घरों पे मैंने सुना है कि वो फ्रेश कलेजी जो होती है ना, वो बनती है तो पानी आ जाता है, लेकिन जब पानी आने के बाद जब कुछ और भी मामला हो जाते तो हमने क्या किया कि अब हम कलेजी नहीं, हम हलीम बनवा लेते अपने घर पे, कि हलीम बनाए, हलीम ज्यादा बेटर रहता है, टेस्टी रहता है काफी, आप चमचे से खा लें, रोटी से खा लें, बाकी तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हलीम बनवाता हूँ, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, तो अपने घर पे बस यही। आप बताएं आपके घर पे क्या बनता है सबसे पहले? जी अहमद, तो आपने पूछा हमारे घर की क्या डिश है, तो जी जैसे सबा ने कहा बहुत से घरों में कलेजी बनती है, तो
स्टार्ट हमारा भी कलेजी से होता है और पहले दिन हम बिरयानी ज़रूर बनाते हैं और शाम में जो है वो नमकीन गोश्त बनना शुरू हो जाता है। नमकीन गोश्त के बगैर तो लगता ही नहीं है कि बकरा ईद है। हम लोग सब नमकीन गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और पहले दिन हमारी कोशिश होती है कि नमकीन गोश्त ज़रूर बने। बिल्कुल अली, कुछ मिथ्स हैं बकरीद के हवाले से, जैसे कहते हैं कि अगर ऊँट की कुर्बानी हो रही हो तो अगर उसके नीचे कोई आ जाए, और मतलब यानी कि ऊँट का खून उसके चेहरे पे आ जाए तो वो काला भी हो तो वो गोरा हो जाता है, या फिर अगर जैसे ऊँट की कुर्बानी है तो रिलेटिव जो होते हैं वो अमूमन हड्डियाँ मांगनी शुरू कर देते हैं कि आपके जो घर की दीमक है अगर वो आप हड्डियाँ दबाएंगे तो वो दीमक जो है वो खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है इन मिथ्स के बारे में? सबा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात बता रही हैं और ये बातें मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। यकीनन बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे यहाँ दुनिया भर में मिथ्स जो है वो क्रिएट कर ली जाती हैं, और ये खून और ये हड्डियों वाली बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर लोग इस पे बिलीव करते हैं और इस पे जो है वो इसको फॉलो करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा। अब ज़रूर पूछना चाहेंगे हम अपने किसी लिसनर से कि अगर वो हमें बताएं कि आप में से कोई इस पे बिलीव करता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, और कितनी रियलिटीज़ हैं, कितना लगता है आपको कि इससे फ़र्क पड़ता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। अहमद, आपने ये मैं सुन रखी है? जी अली, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं सबा, बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये मिथ्स हैं और बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर आप उस ऊँट की हड्डी को लेके आ जाएं तो घर पे दीमक है तो वो ख़त्म हो जाएगी। दीमक ही नहीं बल्कि अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाए रखा है तो वो भी उस हड्डी की वजह से काला जादू उतर जाता है। तो ये काफ़ी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में, एग्जिस्ट करती हैं। इसका रियलिटी से कितना ताल्लुक है तो वो तो हमारे लिसनर्स बता सकेंगे और कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और सिर्फ इसके खून के हवाले से भी कहते हैं कि भाई जिसके चेहरे पे पिंपल्स हैं अगर वो भी इसके खून को अपने चेहरे पे मल ले तो उसके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे या उसको पसीना आना ख़त्म हो जाएगा। ये भी मेरे हिसाब से मिथ्स हैं, बाकी इसका रियलिटी से कितना ताल्लुक है वो तो आई डोंट नो कि मुझे किसी ने आज तक खुद नहीं बताया पर्सनली किस तरह से कि उनको कितना फायदा हुआ इससे। ये बहुत पुराने मिथ्स हैं, बहुत अजीब चीज़ें जो कि एग्जिस्ट करती चली आ रही हैं, और स्टिल इतनी ज़्यादा एडवांस सोसाइटी हो चुकी है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअली बात मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि किसी इंसान को फायदा हो सकता है कि हुआ हो और उन्होंने ये बात फैला दी हो सकता है कि उनको फायदा उस चीज से ना हो लेकिन कोइंसिडेंसली या कुछ भी इत्तेफाकन उनको उस चीज ने फायदा दे दिया और वो उन्होंने फैला दी हो कि भाई ये चीज वाकई इसलिए होती है। अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ा मजे की एक वाकया सुन रहा था किसी का कि एक साहब थे, उनके पास एक आदमी आ गया कि मेरे घर पे वो जादू हुआ है और मैंने ऊँट की हड्डी मंगवाई थी ताकि जादू जो है ख़त्म हो जाए, तो अब ये है कि आप मुझे बताएं कि बाकी मेरे घर पे अब जादू है या नहीं है। तो बोलते हैं कि जादू तो है, उन्होंने कुछ किया होगा, जायचा वायचा खींचा होगा जो भी, तो उन्होंने बताया कि जादू तो है और वो जादू भी उस ऊँट की हड्डी पे किया गया है। उस ऊँट की हड्डी को बाहर निकाल के फेंके। So, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ये मिथ्स हैं, आई थिंक कि हमें सोसाइटी बहुत एडवांस हो गई है और जो चीज़ें हमें ऑलरेडी हमारी हमारी हिस्ट्री ने हमारे रिलीजन ने बता दी हैं वो मुकम्मल है। आई डोंट थिंक सो कि हमें उसके अंदर कोई एडिशन करने की ज़रूरत है या उसके अंदर कोई सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है कि हमें अगर किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो उससे हम निकल कैसे सकते हैं, चाहे वो दीमक हो, जादू हो या आपके चेहरे पे पिंपल्स ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है जी, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, और दीमक के लिए भी बहुत से लोग बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं, तो हड्डियों का इंतज़ार ना करें। एनीवे जी, बात करते हैं सबा, ये बताएं कि यूजुअली ईद पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं जैसे अपना अगर बताऊं आपको तो जी, सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना और उसके बाद थोड़ी सी ग्रीटिंग्स वगैरह, ईद मिलने के बाद जो है मैं तो सो जाता हूँ, फिर शाम में उठ के जो है वो थोड़ा सा आना जाना और सारा कुछ खाना पीना इंजॉय होता है। आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अच्छा, मेरे यहाँ ये होता है कि सुबह सवेरे जो है वो
कुछ छोले दही बड़े जरूर बन रहे होते हैं, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आते आते 11:30 बज जाते हैं ना, तो हम उस चीज़ों से फारिग होते हैं, सफाई वगैरह करके इतने में मर्द हजरात भी नमाज पढ़ के आ जाते हैं, तो हम भी तैयार उनको मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ग्रीटिंग्स वगैरह और वही सबके फ़ोन कॉल्स, और जिन लोगों के यहाँ नहीं जा पाते दूर दराज से रिश्तेदार जो होते हैं उनसे बातचीत, क्योंकि ये तो त्यौहार ऐसे होते हैं कि इस पर सभी से बात हो रही होती है। फिर ये कि गोश्त आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसके बाद तो टाइम पता ही नहीं लगता, फिर उसको समेटते समेटते कौन सा गोश्त कीमे के लिए जाएगा, कौन सा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन सा गोश्त जो है चैरिटी कैसे करना है, क्योंकि 3 हिस्से बनते हैं ना एक हिस्से में से भी, तो इसलिए जो है वो फिर टाइम उन चीज़ों को समेटने में लग जाता है, पता ही नहीं चलता। ईशा के बाद तक ऐसी हालत हो जाती है फिर कि रात गए फिर सोने का ही होता है, फिर दूसरे दिन से दावतें शुरू हो जाती हैं। जी, तो अहमद के पास भी हम इस हवाले से आएंगे। इस सवाल को लेके मेरे जहन में एक बात आ रही थी, कहते हैं इसको बड़ी ईद है और जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, एक्टिविटीज भी ज्यादा होती हैं, जानवर जिबा करने से लेके गोश्त बांटने तक। लेकिन सबा बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं कुछ अरसे से नोट कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस ईद की छुट्टियां कम देती है। इस दफा भी जो है वो सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां थी, संडे तो ऑलरेडी मारा गया। तो इस पे अहमद से भी पूछते हैं। अहमद, आप तो सरकारी नौकरी भी करते हैं, तो सर क्या ओपिनियन है आपका इस पे? ओपिनियन यही है कि छुट्टियां देनी चाहिए थी ज्यादा यार, ताकि ईद ईद तो लगे। वीकेंड तो वैसे ही वीकेंड लग रहा है हमें कि हम जिस दिनों में ईद आ गई है तो उन दिनों में तो ऑलरेडी हम छुट्टियां बड़े मजे से मना रहे होते हैं। अब क्योंकि ईद है तो एक छुट्टी तो बनती थी बॉस। खैर, अब कोई बात नहीं, सरकार है सरकार, जमहूरियत का जो फैसला तो फैसला हमारा भी, हम उस फैसले पे कुछ तंकीद नहीं करेंगे। खैर, बात रही है एक्टिविटीज की जहाँ तक, तो एक्टिविटीज वही कि अगर हम जब सुबह उठते हैं, अच्छा एक बड़ी मजे की बात यह कि ईद वाले दिन नींद ज्यादा आती है, और उस नींद को बड़ी बड़ी ईद वाले दिन नींद को बहुत ज्यादा मारते हुए हम फजर की नमाज पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद फिर तैयारियों में लग जाता हूँ, कपड़े प्रेस वगैरह करना, उसके बाद फिर ईद की नमाज हो जाती है। ईद की नमाज के बाद मैं जाता हूँ कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से वापस आने के बाद फिर मैं जो जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं उनको देखता हूँ, फिर मैं कसाई को ढूंढता हूँ अपने जो जानवर की कुर्बानी के लिए। कसाई जो है उनका थोड़ा सा एटीट्यूड जो है बहुत हाई लेवल पे होता है, उनको करते 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 थोड़ी बार्गेनिंग करते करते टाइम हो जाता है, फिर कुर्बानी होना, फिर उसके हिस्से करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, और फिर रात को बारबेक्यू करना, वो भी एक बड़ा मजे का सीन होता है। तो ये सारे एक्टिविटीज हमारे पहले दिन हो जाती हैं जो कि बहुत यादगार रहती हैं हमेशा, और हर अगली आने वाली ईद पे हम पिछली ईद को जरूर याद कर रहे होते हैं कि उसमें ऐसा किया था, इस दफा बेटर करें। जबरदस्त जी, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है और हर वक्त होती है, और हमें ज़रूर रिव्यू करने चाहिए पिछली चीज़ों को। तो जी, बातें करते करते अंदाज़ा नहीं हुआ कि शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। सब बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा अली, ये बताएं आपने कभी बकरा ईद पे किसी से ईदी ली है? यार सबा, आपने ना मेरी दुखती रख पे हाथ रख लिया, मुझे तो मीठी ईद पे किसी से ईदी नहीं मिलती, अब तो ईदी देनी पड़ जाती है। आप लेने की बात कर रही हैं, तो जी जिस शख्स को बकरा ईद पे यानी मीठी ईद पे ईदी ना मिलती उसको बकरा ईद पे क्या मिलेगी? आप बताएं, आप लोग को तो सुना है बड़ी ईदी मिल जाती है। मुझे तो मिलती है बकरा ईद पे भी, मैं किसी ना किसी से निकलवा लेती हूँ। हाँ, ये खवातीन के लिए, फीमेल्स के लिए बड़ा एक एडवांटेज है, लेकिन लड़के जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं उनकी ईदी में उतनी कमी आती जाती है। और हमारे लिए तो बचपन में बड़ी ईद वही थी जिसमें पैसे मिल जाते थे भाई, ठीक है अपने को क्या गोश्त आए गोश्त आ जाए। अब हमारे लिए बड़ी ईद पे बड़े खर्चे हो जाते हैं अहमद। बड़ी, हाँ ये एग्जैक्टली, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो बड़ी ईद ने भी हमें ग्रिप में ले लिया अपनी, कि भाई हम दोनों साथ साथ चलेंगे बड़ी बड़े मिलके, और तुम्हारे खर्चे तो हम निकलवा के रहेंगे। और खैर, ये भी एक ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, रिलीजन है, और यही खूबसूरती है हमारे रिलीजन की कि इसमें हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन गरीब गुरबा का भी देखते हैं जो जिनको हमें गोश्त बांटना होता है, उनके घरों पर भी चूल्हा चलता है, और साथ ही साथ रिश्तेदारों को भी याद रखते हैं, उधर भी गोश्त बांटा जाता है, मोहब्बतें भी साथ ही साथ हमारी पैदा हो रही होती। सो बहुत अच्छा है, वो खूबसूरती इसकी यही है।
अच्छा एक और भी हमें बेनिफिट होता है, एक और बेनिफिट हमें ये होता है कि हम अगर हमें ईदी नहीं मिल रही होती ना, हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं तो हमें ऐसा गिफ्ट कुछ ना कुछ मिल जाता है उस बनाने पे, तो वो भी हमारी सॉर्ट ऑफ ईदी हो जाती है। मैं शेफ बनना चाह रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सही, बन जाए बन जाए। आप शेफ बन जाए और आपको देंगे हम कुछ नहीं अच्छा सा, ठीक है, आपसे लेंगे मुफ्त में वो भी। तो इससे पहले कि अहमद जो है वो हमसे फरमाइशें शुरू कर दें और शेफ बनने के गिफ्ट्स लेना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है हमें कोई बेटर शेफ देख लेना चाहिए और शो को वाइंड अप कर देना चाहिए, क्या ख्याल है सबा? बिल्कुल, इससे पहले कि मौसमी कसाईयों की तरह अहमद के भी दाम बढ़ जाए तो हम कोई प्रोफेशनल शेफ ढूंढ लेते हैं और वाइंड अप करते हैं अपने शो को। तो ख्याल रखिएगा अपना। सो याद रखिए उन लोगों को भी जो आपकी मोहब्बत और आपके ख्याल के मुस्तहिक हैं और जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस ईद पर खास ताकीद फरमाई है कि हम उनका ख्याल रखें और उनके साथ अपनी खुशियां बांटें। जी बिल्कुल सबा, बहुत खूबसूरत आपकी बात है और हमें, हम सबको जो है वो अपने अपने चाहने वालों को सबको याद रखना है, मुस्तहिकीन को ज़रूर इस ईद पे हमने याद रखना है और ईद की खुशियां बांटनी है। इसके साथ साथ जनाब जैसे मैंने एक बात कही शुरू में कि एहतियात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें और बहुत सी खुशियाँ देखनी हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो इस ईद को एहतियात के साथ बनाइए और खुशियों के साथ बनाइए। मुझे यानी कि अली खान तरीन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब बिल्कुल, और अपने चाहने वालों में भी इजाफा करें, अपने दोस्त अहबाब अपने रिश्तेदारों से जिन लोगों से काफ़ी अरसा हो गया आप बात नहीं कर सके, मुलाकात नहीं कर सके, उनसे ज़रूर मुलाकात करें, बात करें, एटलीस्ट कॉल कर लें, एक मैसेज कर दें कि आप उनके साथ अभी भी मौजूद हैं और अपने अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाएं उनको ताकि आपकी मोहब्बत उनके लिए आम हो जाए। अपनी मोहब्बतों को आम करें, आपके घर पे भी अगर कोई दस्तक देता है, गोश्त मांगता है, पैसे मांगता है तो उसको खाली हाथ ना लौटाएं, उसको धुतकारें ना, बल्कि उसको कुछ ना कुछ दे ही दें अपनी तरफ से, और या तो कुछ अच्छे बोल ही दे दें किसी के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा कारामद होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो इसी के साथ इख्तिताम की तरफ चलते हैं और मैं इजाज़त लेता हूँ यानी कि अहमद सिद्दीकी आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने हमारे इस शो को सुना, और काइंडली शेयर भी कीजिएगा इस शो को और अपने चाहने वालों के साथ, और काफ़ी लोगों को मैसेजेस दीजिएगा जो हमने बात भी की, और अपने तौर पे भी कमेंट करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे दोनों आरजेस की तरफ से, आप सुनते रहिए रेडियो सबका साथ के शोज और हमारे फेवरेट आरजेस को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।